पंकज बाइक को फुल टैंक कर दिया है, संभाल के जाना। हाँ ठीक है, तू ठीक से रहना, थोड़ा संभाल के। हाँ ठीक है, तू संभाल के रहना। We'll be right back.
क्या हुआ है उसे? देखिए आपका केस अब हमारे हाथों से निकल चुका है, हम कितनी भी कोशिश कर लें उनको बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब, उसे बचा लीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ। आपकी बीवी को लुकेमिया हुआ है। ये क्या होता है? ब्लड कैंसर। उनके पास बहुत कम समय बचा है, अपने रिश्तेदारों संबंधी को बुलाना चाहते हैं तो बुला लीजिए। सर 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 सर, हे भगवान, हम गरीब का साथ क्यों छोड़ दिया? हे भगवान। हेलो चार्ली ओवर। सर, आपने जो नंबर दिया था उसे हम टैप कर रहे हैं, उसका सिग्नल बेंगलुरु की तरफ दिख रहा है। टैपिंग को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। यस सर। पंकज, पंकज आ गया क्या? आ रहा है बेटा। पंकज, तुम सोचो मत। आएगा वो, तुम चिंता मत करो। फोन कर रहा हूँ उसको मैं। किसी काम में फंसा होगा, फोन नहीं उठा रहा है। उठा तो ले। हाँ, अरे अरे यार मेरा, ओहो, ये पंकज मेरा मोबाइल खो गया यार। क्या यार? घंटी जा रही है, घंटी जा रही है। पापा का फोन है, क्या हुआ पूछ। बोलिए पापा। भगवान के मंदिर में पूजा करवा दिया ना? हाँ पापा, करवाई मैंने। तो तुम्हें गांव जाने की जरूरत नहीं है अब। क्यों? बेंगलोर आ जाओ बेटा, यही तुम्हारी माँ को एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। कौन से दवा खाने में पापा? बेंगलोर आकर फोन करना बेटा। ठीक है पापा, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ। क्या हुआ यार? पापा कह रहे हैं मेरी माँ को दवा खाने में भर्ती करवाया है। पंकज बंगलुरु आ गया यार, चल उतरते हैं। मैं बेलगाम पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। ये इस वक्त कहाँ है? उडुपी। इसका नाम ना तो नंदिनी है और ना ही अंजलि है, चित्रांगदा है। इसका अपना गांव बेलगाम है, वहाँ एक ज्वेलरी शॉप में काम करती है। असली गहनों को उड़ाकर जब डुप्लीकेट बनाकर उसे बेचने गई तो पकड़ी गई, तब पहली बार उसे जेल हुई थी। में मई से लेकर नवंबर तक ये जेल में थी। कुछ लोग जेल से बाहर आने के बाद क्रिमिनल बन जाते हैं, लेकिन इसने क्राइम करने के लिए अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल किया। फिर इसने शुरू की हनी ट्रैपिंग। हनी ट्रैपिंग क्या होता है जानते हो? बड़े बड़े घर के लड़कों को अपनी जाल में फंसा कर उनके साथ ऐश करना, और जब दिल भर जाए तो उनकी कमजोरियों को रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करना। इस काम को वो बखूबी अंजाम देने लगी और बहुत लोगों को ब्लैकमेल किया। और जब उसे वहाँ खतरा महसूस होने लगा तो उसने उस धंधे को छोड़कर दूसरा धंधा शुरू कर दिया, ब्लाइंड लव स्टोरी। ये ब्लाइंड लव स्टोरी क्या होती है पता है? ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन अंधे हैं, ऐसे लोगों को अपनी जाल में फंसा कर उनका दिल जीत कर उनका सारा पैसा हड़प कर गायब हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। वही उसने तुम्हारे साथ भी किया, तुम तो जानते ही हो। उसका कोई रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार के बारे में नहीं है। उसके बाप ने शराब के नशे में उसकी माँ को मार डाला, फिर शराब पी पी कर वो खुद भी मर गया। उसका बड़ा भाई है रवि और छोटा भाई है मंजा,
दोनों उसका हर काम में सपोर्ट करते हैं। अब वो मरा हुआ आदमी रवि कौन है ये तो समझ ही गए। ये देखो रवि। ये सब लोग पक्का प्लान बनाकर ही धोखा देते हैं। इसका मतलब इस सारे खेल के मास्टरमाइंड है वो चित्रांगदा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर अब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो पता नहीं और कितने लोगों को मारेगी। ऐसी राक्षसी का संहार करने के लिए अब हमें रुद्र तांडव करना ही पड़ेगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विक्रम। जब मेरे माँ बाप के एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो मेरा भाई बहुत छोटा था, उसे मैंने पाला। लेकिन आज क्या हो रहा है देखो विक्रम, आज मेरा छोटा भाई मेरी आंखों के सामने मौत के मुंह में खड़ा है। डॉक्टर ने क्या कहा? किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा है लेकिन सूटेबल किडनी डोनर नहीं मिल रहा है। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, ब्लैक मार्केट से किडनी परचेस करनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। उसे देने के लिए मेरे पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ मेरी जान है और कुछ नहीं। ऐसी बातें मत करो चित्रा, मैं हूं ना, लगता है तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। जब तक मैं हूं तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखो मेरे लिए मेरी दोनों आंखें तुम हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2-3 दिन के अंदर मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तुम डॉक्टर से कहो कि वो ऑपरेशन की तैयारी करे। नहीं विक्रम, ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई ताकि मैं अपना दुख बांट सकूं। तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। आज तक मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, अपने दम पर भाई को पाला है, अभी भी वही करूंगी, देखते हैं क्या होता है। मेरे भाई को मैं ही बचाऊंगी। पागलों जैसी बात मत करो चित्रा, कल तक तुम अकेली थी, आज हम दोनों साथ हैं। दोबारा फिर कभी मत कहना कि तुम अकेली हो। थैंक यू विक्रम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूँ। देखो चित्रा, ये मैं जानता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारे लिए कोई ताजमहल बनवा सकूँ, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू विक्रम, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तेजस, वो मिल गई। अच्छा, आप उसे छोड़िएगा मत सर। उसे मैं संभालूंगा। नेक्स्ट प्लान उड़पी। हे, आगे जो इंडिका कार जा रही है वही है ना? जी हाँ सर, आपने जो नंबर दिया था उसी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, उसके पीछे लगे रहिए। ऐसी डायन एक दिन भी जिंदा रही तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तैश में आकर कूदने वाला मर्द नहीं होता, तैश को कंट्रोल करने वाला होता है। तुमने कहीं कोई गलत कदम उठा लिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ शिव, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। एटलीस्ट हम अंदर जाकर बैठेंगे तो पता चलेगा वो क्या बात कर रही है। यहाँ पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाकर हम तमाशा देखने नहीं आए हैं। सर, आप मुझे अपना ब्लूटूथ दीजिए, वो मुझे नहीं जानती है। मैं अंदर जाकर फोन लगाऊंगी, आप लोग सुन लीजिएगा कि वो क्या बात कर रही है। विक्रम, तुम जो मेरी मदद कर रहे हो, पता नहीं उसका एहसान मैं कब चुका पाऊंगी। थैंक यू सो मच। चित्रा, अपनों को कभी थैंक्स नहीं बोला जाता है। देखो, तुम डॉक्टर से कहो कि वो ऑपरेशन की तैयारी करे। मैं एडवांस अमाउंट भर चुकी हूँ विक्रम। हॉस्पिटल में मेरे भाई के साथ उसका फ्रेंड है, मेरा छोटा भाई तुमसे मिलना चाहता है, तो प्लीज विक्रम, ऑपरेशन के समय तुम मेरे साथ रहोगे ना? ये भी कोई कहने वाली बात है? चित्रा, पर तुम रो क्यों रही हो? तुमने कहा ना तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। एक बार मेरे भाई का ऑपरेशन हो जाने दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर मेरे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं,
जिंदगी भर मैं तुम्हारी आंखें बंद कर तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी बातें सुनकर तो मुझे भी प्यार होने लगा है। तुम उस पर फिदा हो गए, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सर सुनाना क्या कह रही थी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नंदिनी। जल्दी करो कहीं वो भाग न जाए। ए, कौन है ये? कौन है? गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। तो फो सर, जॉनसन को फोन लगाओ सर। आप जिसे अभी संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त अपने पर्सनल काम में व्यस्त हैं। हाँ बोलिए सर। हेलो जॉनसन, कहाँ मर गया तू? बोलिए बोलिए सर। बाय विक्रम। बाय। ए, तू यहाँ क्यों आया है? किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा, पर एक जरूरी बात कहनी है। जो भी बोला है फटाफट बोलना। शिव यहीं पर है। कौन सा शिव? वही मैसूर रेस्टोरेंट ओनर। तो क्या हुआ? हो सकता है वो किसी काम के लिए आया हो। नहीं चित्रा, वो तुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आया है। उसके साथ एक लड़की है जिसने चित्रांगा नाम कई बार पुकारा था। मैंने किसी तरह उन लोगों को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट किया है। वो यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ रहना हमारे लिए खतरा है। विक्रम का मैटर खत्म करो, हम कहीं और चलते हैं। अब तुम क्या सोच रहे हो चित्रा? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तू एक मर्द है? दुम दबाकर भागने वाले मर्द नहीं होते, डरकर सामना करने वाले मर्द होते हैं। जब देखो तब यहाँ से भागो वहाँ से भागो कहते रहते हो। थू? देख, अगर तुझ में हिम्मत है ना तो ही मेरे साथ काम कर, अगर नहीं है ना तो मैं तुझे एक लोटा ला कर देती हूँ। अपनी दाढ़ी मूछ बढ़ाकर किसी सिग्नल पर भीख मांग। डर से भागने वाले लोग कायर होते हैं और जो डराना जानते हैं लोग उनके तलबे चाटते हैं। यही दुनिया है। देख, कल तक इस वक्त तक हमारा पैसा हाथ में आ जाएगा, तब तक तू अपना मुंह बंद रखेगा तो ही अच्छा है, नहीं तो मैं काट डालूंगी। मजाक समझ रहा है? समझ गया ना? इन सब की वजह तुम दोनों ही हो। शिव का एक्सीडेंट होने के बाद उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना, फिर भी तुमने वहां जाकर सिरदर्द पाल लिया। देखो, अब उसके पास कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसके पास जो कुछ भी था उसने ऑपरेशन में खर्च कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन? बताता हूँ। उससे पहले शिव के साथ जो डील हुई थी वो पैसा हमें मिल जाना चाहिए। क्या कहा? अब तक उसका काम नहीं हुआ तो पैसे क्यों मांग रहे हो? देखो चित्रा, हम जो तुमसे पैसे लेते हैं वो पार्टी को ढूंढ कर उसका डिटेल्स कलेक्ट करके स्केच बनाकर एक परफेक्ट प्लान देते हैं उसका। शिव सलाह के काम से हमने अपना काम बिल्कुल पक्का किया। उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हमने जो काम किया उसमें जो हमारा हिस्सा था वो हमें मिलना चाहिए। देखो, प्लान के हिसाब से अगर काम हुआ तो ही हिस्सा, नहीं तो सभी का लॉस है। इससे पहले जो भी डील्स हुई थी उनमें से तुमने हमें कितना दिया और तुमने कितना लिया वो हमें सब पता है। हर डील में एक बड़ा हिस्सा तुमने अपने पास रखा। हर डील में अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कैसे चलेगा? तुम दोनों सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर काम करते हो, लेकिन फील्ड पर उतर कर मैं अपनी जान की बाजी लगाकर अपने काम को अंजाम देती हूँ। मेरा दिल और जिस्म दोनों को दांव पर लगाकर खेल पूरा होने के बाद तुम लोगों का हिस्सा देती हूँ। कल कुछ ऊंच नीच हो गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए मेरी जेब से ही पैसा खर्च होगा, तुम्हारी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा पैसा रखती हूँ। देखो मामा, तुम्हारी उम्र हो गई है, लालच छोड़कर जो मिलता है उसे लेकर खुश रहो।
आसानी से होने वाला काम नहीं है। जानता हूँ ये सब कुछ नहीं होगा। उसके पास रहेंगे तो हमेशा कुत्ता बनकर ही रहना होगा। मैंने सारा प्लान बना लिया है। ये जब तक तेजस के साथ हमारे बारे में नहीं सोचेगी ऐसे ही रहेगा। यही सही वक्त है, हमें कुछ करना होगा। लड़की को सेटल होने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं, मर्द को सेटल होने के लिए सिर्फ पैसा ही एक रास्ता है। वो तेरी दोस्त दिव्या है ना, उसे यहाँ बुला ला। आगे क्या करना है वो प्लान मैं बताता हूँ। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? चार दिनों से तुम दोनों का कुछ पता नहीं। वैसे तुम आजकल तेजस के साथ जरा बिजी हो, तो हमने भी सोचा और चार दिन आराम करने के लिए गोवा चले गए। मुझे उसके साथ भिड़ा कर तुम लोग आराम से गोवा घूमाए? वो आर्टिस्ट है, अकेले रहता है, उसकी फीलिंग ज्यादा है। प्यार का जाल बिछा, वो इजिल हमारे जाल में फंसेगा, यही कहा था ना? लेकिन ऐसा कुछ होने के बजाय वही मुझे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब देखो तब मेरे नाम की माला जपते रहता है। क्या तुमने उसका बैकग्राउंड चेक किया था? प्यार, अंधे को मुझसे प्यार हो गया? सोचती हूँ तो तन बदन में आग लगती है। अच्छे अच्छे को पानी पिलाने का रास्ता तुम्हें मालूम है, हैं? ये अंधा तुम्हारे लिए इतना बड़ा कैसे बन गया? जो हाथ में आया उसे मुंह तक आने से पहले दूसरी उड़ती चिड़िया को दाना डालने की कोशिश मत कर। भलाई इसी में है कि वो डील पूरी करो। मंजा, बैक सीट पर एक बैग है, निकाल। उसमें से मेरा पेन निकाल, कैप निकाल। अरे अब क्या लिखना है चित्रा? ला, अपनी किस्मत लिखनी है। मंजा, पेन इज माइटियर देन सॉर्ड, पता है? मतलब ये पेन तलवार से भी ज्यादा तेज है। तू और मामा मेरी नजरों से छुपकर क्या कर रहे हो? बता बता। अभी तो पैर में छेद किया है, गले में छेद कर दूंगी, बता। बताता हूँ, हम तुमको बताए बिना मैसूर के शिव से मिलने गए थे। और फिर सारे गहने हमने बाजार में बेच दिए और जो बाकी पैसा है वो रवि के पास पड़ा हुआ है। चोर और चोर दोनों मौसेरे भाई, निवाले से पेट न भरा तो थाली छीन कर खाई। मेरे साथ खेल मामा, पैसों के लिए इतना बड़ा गेम मेरे साथ खेलेगा सोचा नहीं था। तुम लोगों को पैसा मिला तो तुम लोग खा पी कर उड़ा देते हो, इसलिए मैं अलग से सेव करती थी। सोचा था अपने ही हो, आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा तो ये पैसा उसी के काम आएगा। और तुम लोग, इसमें सारी गलती मेरी ही है। तेजस का मैटर क्लोज होते ही तुम लोगों के हिस्से में जो मिलना है वो मिल जाएगा। वो बैग दो। इसके बारे में मामा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं।
सॉरी, मैंने देखा नहीं था। सॉरी अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं पर मैं ये बात तुम्हें बता नहीं सकता। मेरे दिल ने न जाने तुमसे कैसे प्यार कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कौन है ये? ना लायक कहीं के, काट डाल तुम सबको। जॉनी, जॉनी फ्रॉम बॉम्बे, सिगरेट। यहाँ क्यों आया है? अब तुम्हारी समझ में आया गधे के बच्चों? मणि भाई का मर्डर किसने किया था, इस बात की इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। मेरा कितना बड़ा कलेजा है पता है, और कितनी बड़ी किडनी है समझा? ए, मर्डर करने वाले को मैंने देखा भी था और उसका पीछा करके उसे पकड़ भी लिया था। सिगरेट आली जी, सिगरेट क्यों फेंक देते हो? ले तू ही रख, मैं चलता हूँ। हेलो मिस्टर देसाई, एक्सक्यूज मी। कौन है ये भाई? इसने मारी के कातिल को देखा है। अच्छा, कौन है वो बताओ बताओ। अच्छा सच में तुम ऐसा बोलोगे कि बोलो 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 तो मैं बोल दूंगा क्या? पहले 5,00,000 रुपए मेरे सामने रखो, उसके बाद पूछो कि भाई प्लीज बता दो, तो मैं सोचूंगा कि तुम्हें बताना है कि नहीं। समझ गए बच्चू? तब से देख रहा हूँ भाई के सामने आवाज उठा रहे। रुको, कौन है रे तेरा भाई? लोग इसको इतना सीरियसली क्या ले रहे हो? ऑटो, ये तो पूरा पागल है। तुम लोग क्या पागल हो रहे हो? समझ में ये बात नहीं आई नालायको? ये कम से कम कॉमेडी तो अच्छा करता। कॉमेडी? हेलो, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ समझे। मिस्टर देसाई, तुम इस बात को लेकर बहुत टेंशन में हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये माफिया तुमसे भी खतरनाक है, तुझे काट डालेगा। हाइट कम है समझा, नहीं तो फुटबॉल फुटबॉल का प्लेयर होता। तुम किससे बात कर रहे हो पता है तुम्हें? कौन है तेरा भाई? तेरा भाई मेरे लिए बस एक छोटे से मच्छर की तरह है, छोटा सा मच्छर। ये कहाँ का भाई है रे? मुझे क्या तुम लोगों ने बैंगलोर के पागल खाने से आया वो समझ रहे हो? बॉम्बे के सारे डॉन लोगों को अगर मलेरिया हो जाए तो आकर पूछते हैं भैया क्या करूं, तो मैं उन्हें बताता हूँ ये मेरा पावर है। ये तुम्हारा भाई छोटा सा मच्छर मेरा क्या बिगाड़ेगा? अगर इसकी बातें सच है तो इसके बॉडी लेकर आना, और झूठ बोल रहा है तो इसके बॉडी को बॉम्बे पार्सल कर। भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं जाने में उनके बारे में बहुत कुछ बोल दिया, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाई। घर वो रहा घर, ये ले चल इसको। ये क्या, घर में तो ताला है? ताला लगा हुआ है सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, उन्होंने यहीं से ऑटो किया था सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे इतना ही पता है सर, मुझे माफ कर दीजिए। कौन सर आप लोग? घर वाले सारे कहाँ गए? घर खाली करके चले गए सर। कहाँ गए? हुबली गए सर। कैसे गए? कार से गए हैं सर। कब गए? अभी 10 मिनट पहले सर। सच में ना? हाँ सर। ये तो क्या, बिना मतलब का फंस गया था, हे भगवान बच गया। ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुन बेटा। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए पापा, मेरे अलावा उसे कोई नहीं मार सकता पापा, मेरे परिवार की शांति के लिए मुझे उसकी बलि चढ़ानी होगी, आप लोग जाइए प्लीज। कुछ कहो ना तुम। देखो लक्ष्मण, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना हम सब साथ यहीं पर रहेंगे। माँ, बचपन में मैं एक बार अपना परिवार खो चुका हूँ माँ, पर अब मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ माँ, भगवान के लिए समझो माँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, जाओ पैकिंग करो। पापा चाहता है कि हम बस जिंदा रहे, लेकिन हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, क्यों नहीं समझ रहा? पापा ऐसी बात नहीं है पापा, मुझे भी आप लोगों के साथ खुशी से रहने का मन है, लेकिन जल्दी जल्दी चलिए।
सूरज पापा जल्दी आइए, यहाँ छुप जाइए आप लोग। परिवार है, लक्ष्मण रेखा बना दी है, लक्ष्य बना दूं पीछे नहीं हटूंगा, इस रेखा को पार नहीं करने दूंगा। लक्ष्मण कलयुग लक्ष्मण हूं मैं, आ जाओ। क्या देसाई घोर रहा है, आजा बैठ जा। तुझे वार्निंग देने वाला कोटी और मारी को मारने वाला मैं ही हूं।
वो ट्रक में बॉडी का ढेर नहीं देखा गया? देसाई, तुम्हारे लड़कों को बहुत गुस्सा आता है। अरे हाँ, मुझे मारने के लिए 100 लोगों को भेजा है। तुम में से कोई फ्री है तो जाओ वहां से उन लाशों को समेट कर ले आओ। कौन है तुम? ओ, रणधीरा के कुल का कुलदीप। अरे खून का हर कतरा तेरी मौत का इंतजार कर रहा है। मेरे 2 लोगों को मारकर मेरे ही घर आकर मेरे ही सामने बैठा है तू। तुझ में बहुत दम है। क्यों, तुझे देखकर डरना था क्या? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अकेले ही आया हूँ, मेरे पास मेरी जान के अलावा कुछ नहीं है। मारेगा? मार, तेरे सामने बैठा हूँ, मार दे वरना तेरे सारे आदमियों को मार दूंगा। मार मुझे, मार, मारना मुझे। अगर तूने मुझे अभी नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूंगा। दबाऊ ट्रिगर, दबाऊ, दबाऊ, दबाऊ ट्रिगर। दादागिरी करने के लिए कलेजा होना चाहिए, गुंडागर्दी करने के लिए दम होना चाहिए। इस लक्ष्मण को छूने के लिए असली मर्द बनना पड़ेगा। डर लग रहा है देसाई? राइट में मारूंगा, लेफ्ट में मारूंगा, सेंटर में मारूंगा, गोली मारूंगा तो सीधे तेरी खोपड़ी में घुसेगी। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा देसाई। एसीपी के बच्चे, मुझे मौत से डर नहीं लगता। हाँ, डर नहीं लगता है तो कुत्ते क्यों पाल रखे हैं? तुझे मौत से डर लगता है, इसीलिए मुझे मारने के लिए इतने लोगों को भेजा था। तेरे 2 खास लोगों को मार दिया तो तू इतना दुखी हो रहा है? तूने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। तुझे तेरी जान से प्यारे भाई को तेरी आंखों के सामने मारूंगा। तब उस दर्द में तू तड़प तड़प कर मरेगा। तेरी आंखों में मुझे और डर देखना है। ओ देसाई, अगर तुझ में दम है तो दुबई से अपने भाई को यहाँ बुला, वरना मैं खुद बुला लूंगा। उसे तेरी नजरों के सामने ही मार दूंगा। डर लगता होगा पर मुझे मौत बहुत पसंद है। कल इसी वक्त तक मेरा भाई मेरे सामने चाहिए। ढूंढो ढूंढो, पूरे हुबली में ढूंढो। वो जहां कहीं भी है उसका परिवार मुझे चाहिए। ढूंढो। आ गया मेरा भाई। How are you? ये सब क्या है भैया? हमारे 2 आदमियों को मारकर घर में आकर वार्निंग देने वाले को ऑन द स्पॉट मारने के बजाय आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपने? उसे मौत पसंद है इसीलिए। मौत तो मुझे भी बहुत पसंद है। वो कहाँ है मुझे बताइए भैया। कूल, वो सेंटिमेंट्स छोड़कर किसी और के सामने नहीं झुकेगा। उसने अपने पालने वालों को यहाँ से भगा दिया है। तुझे मेरी आंखों के सामने मारेगा कहा उसने। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो ये बात यहाँ तक आती ही नहीं। कूल कूल दया। मौत से हाथ मिलाने वाले सिपाही का बेटा है वो। उसकी मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। उसको सेंटिमेंट से ही मारना होगा। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः। आप अपना गोत्र बोलिए। रणधीरा। रणधीरा नामस्य केंचल गोत्र। केंचल गोत्रस्याः। पंडित जी, क्या है बेटी? आज इसी नाम से किसी और ने भी पिंड दान दिया है क्या? किसी ने नहीं दी है। Thank you.
पंडित जी बोलिए क्या करना है? पिंड दान करना हाँ, था। बैठिए। आचार्य जी आप जाइए मैं करा देता हूँ। हाँ ठीक है बैठिए बैठिए। दो बेटा गोत्र बताओ बेटा। केंचल गोत्र। क्या केंचल गोत्र कहा? हाँ पंडित जी यही गोत्र है। और नाम क्या है? रणधीरा और सुमन। इसी नाम से इसी गोत्र से दो लोग अभी पिंडदान करवा कर गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? यही गोत्र और यही नाम? हाँ इसी गोत्र से एक लड़की और एक व्यक्ति यहाँ से पिंडदान करवा कर गए हैं। अब मेरे साथ नहीं है ये बात मुझे चुभती है। अंजलि लकी मामा जी क्या हुआ बेटी? लकी ये लकी है। तुम्हारे बारे में हमेशा बताती रही। चलते हैं कभी वक्त हो तो घर आना बेटा। मामा जी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब अकेला हूँ। अंजलि आई लव यू। ज्योति मैं तुमसे ही मिलने आ रहा हूँ थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। नॉर्मल वार्ड में आप इनसे बात कर सकते हैं। ये लीजिए ये मेडिसिन लेकर आइए। ठीक है आप भी बाहर चलकर वेट कीजिए। जी ये दवाइयाँ उस पेशेंट को दे देना। ओके डॉक्टर ये दवाइयाँ दीजिए प्लीज। नंदा आप यहाँ कैसे? कार्तिका एक्सीडेंट हो गया है बेटी। ये आप क्या कह रही हैं? बचा लिया है आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में ले जाएंगे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया।
ज्योति कहाँ है? तुमसे ही मिलने आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ओके कार्तिक, मैं पहुंचती हूँ। हेलो, ये देख, मेरी ज्योति ने मैसेज किया है। डॉक्टर ने कहा इसलिए मुझे ज्योति के मरने की बात कार्तिक से छुपानी पड़ी, लेकिन मुझे यकीन है एक न एक दिन कार्तिक को सच्चाई का पता जरूर चल जाएगा। तब तक कार्तिक की खुशी के लिए मुझे ही ज्योति बनना होगा। ज्योति की यादें मुझे जिंदा रखनी होगी। भाभी, ज्योति ने मैसेज किया है। ठीक है। सकती है, लेकिन इस डेविल देविका के सामने तेरी दाल गलेगी नहीं। अभी यहाँ मेरे सामने आकर खड़ी हो जा। Tell me the answer. Hey, boot, come on, come on, come on.
ये तो वैसे बुला रही है जैसे घोड़े के रेस में घोड़े को बुलाते हैं। ये कोई नया तरीका होगा। बड़ा खतरनाक तरीका। इस पूरे इलाके में भूत भगाने में नंबर वन है मेरी दीदी। दिम दिम दिमा दिम दिम दिमा। कोई नहीं डरना मत। माता जी लगता है कोई आया है। आजा 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 आजा। अरे आजा ना। मैं देखती हूँ। ये तो सच सच में आ गए क्या? मेरे सामने नाटक करेगी? मंत्र वाला पानी काम कर रहा है, मेरे सामने नाटक दिखा रही है। अरे और एक आ गया। माताजी, अरे मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। माताजी आपको बोला था ना कि हमारे साथ एक भूत है। ये वही है माताजी, अभी दिखाता हूँ। अरे मैं जिंदा हूँ। अरे आप क्या कर रहे? मैं जिंदा हूँ यार। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करके गलती की है। अरे किसे पूछकर तूने पानी फेंका? Who is the ghost? ये मुझे पता नहीं क्या? मंत्र वाला पानी फेंकने के लिए तो रखा था ना। अरे तुझे तो ना मैं। आप ही कुछ कीजिए देविका जी। अरे हाँ, मुझे हाथ लगाएगा डेविल देविका को? ठीक है, अगर ये भूत नहीं तो वो अंगूठी कैसे आई? पूछो इससे। वो अंगूठी कैसे आई? टेल मी द आंसर। बताता हूँ माता जी, मैंने जो डेड बॉडी देखी वो लेखा की ही डेड बॉडी थी, क्योंकि दोनों में सेम अंगूठी थी। वो सोने की थी क्या? माता जी इसके फ्लैशबैक में जाकर हम लोग असली भूत को भूल गए। नहीं नहीं नहीं। पानी फेंक देने की वजह से भूत नाचने लगा है। अब देखो मैं कैसा ट्विस्ट करती हूँ। ये नीम के पत्ते लेकर देखो कैसे घुमाती हूँ। इसने तो मेरा सारा पानी फेंक दिया है। अरे क्या माता जी, आप तो चुपचाप बैठी हो, उसका कुछ करो। वो मंत्र वाले चावल निकालो। वो तो चावल का मुंह तो मिला रहा है। अरे 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 अरे, चलो सबके भूखे। यहाँ सिचुएशन क्या है और तुम लोग कबूतर की तरह वो मंत्र मारे चावल खा रहे हो? अरे तुम लोगों का क्या करूँ मैं, बेवकूफ लोग। अरे 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 अरे, यहाँ भूत ना आने के लिए मैंने एक बंधन बांधा था, लेकिन तुम लोगों ने उसको डैमेज कर दिया है। अरे तू सर्कस से छूटे हुए बंदर की तरह क्या बैठा है? उठ जा, 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 जल्दी जा, मंत्र मारे चावल लेकर आ, जल्दी जा। माता जी अब आपके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब क्या करेंगे आप? अरे वहाँ अंदर मंत्र मारा हुआ कपड़ा है, उसे कोई लेकर आओ। अभी जाइए माता जी। कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, मैं ही लेकर आती हूँ। अभी जाइए माता जी। उसको भगाना है, उसे ले जाऊंगी, उसे भगाना है, उसको भगाना है। अरे बाप रे, अरे इसे साइड में लेकर जाओ और सब लोग मेरे साथ मंत्र बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। दिम दिम दिमा दिम दिमा दिम 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 दिम दिमा माता जी।
मंत्र का कपड़ा यहाँ रख के उसे भगा दिया क्या? भाइयों, इस पूरे इलाके में भूत भगाने में मेरी दीदी नंबर वन है। 11,500 दक्षिणा देकर निकल जाओ यहाँ से। तभी तो भूत बनी है, हाय बेवकूफ। अरे मुझे ऊपर क्यों लटका के रखा है? छोड़ मुझे, छोड़ दिया। दीदी, आपका मास्टर प्लान कहाँ है? अरे तू आ रहा है मुझे बचाने? मास्टर प्लान वो बना रही है और तू मुझे मास्टर प्लान के बारे में पूछ रहा है? अगर हम लोग यहाँ एक मिनट भी रुके ना तो हम लोग सब मर जाएंगे, मर जाएंगे। चलो 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 भागो, भागो।